मॉर्निंग एवरीवन, मैं सरबजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फ्री वीजा एडवाइजर पर। आई होप कि इस पेंडेमिक टाइम में आप लोग सभी सुरक्षित होंगे, प्रिकॉशंस हैं वो आप यूज़ कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ एक नई अपडेट लेकर। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले हमने बात की थी स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड। जो इंटरनेशनल, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा जाने के लिए काफ़ी टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे, उनके लिए खबर है कि अभी कनाडा ने टेम्परेरी बेसिस पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एंट्री देना बंद कर दिया है। उसका कारण है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो इंडियन स्टूडेंट्स थे स्पेशली, उन लोगों के अंदर कोरोना से रिलेटेड कुछ वायरस पाए गए हैं और जिस कारण से उनको अभी टेम्परेरी बेसिस पे आना अलाउड नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सितंबर इनटेक के लिए बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो इनकी वेबसाइट और कॉलेजेस में की वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों, घर पर रहकर ही प्रिकॉशंस लेते हुए ही जिंदगी को वहन कीजिए। और आई होप कि बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें डाउन आ जाएंगी, कोरोना के ऊपर हमारी जीत होगी। और वो जीत कैसी हो सकती है, यदि हम सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। और सबसे बड़ी तैयारी है घर पर रहें, स्वस्थ रहें और बिना किसी कारण के बाहर मत निकलें। और सरकार के द्वारा दिए गए जितने भी नियमों का पालन कीजिए, यही आपसे उम्मीद है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।